तो मूवी शुरू होती है और हमें समुद्री तट पर बाप बेटे फिशिंग कर रहे दिखते हैं। तभी बेटे के फिशिंग रॉड में कुछ फंसता है। अब दोनों बाप बेटे उसे ऊपर जोर से खींचते हैं और देखते हैं कि ये तो किसी जानवर का कटा हुआ सिर है। फिर तभी समुद्र में कुछ हलचल होने लगती है। वो दोनों डर जाते हैं, लेकिन तभी फिर समुद्र में से एक बहुत बड़ी शार्क निकलती है और फिर वो शार्क जमीन पर गिर जाती है और रेंगते हुए कहीं चली जाती है। अब ये सब क्या हुआ, इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। तो अब हमें 3 दिन पहले का समय को दिखाया जाता है। समंदर के अंदर हमें एक बहुत बड़ी लैब दिखती है, जहां पर हम कियान से मिलते हैं, जो इस फार्मा लैब का बॉस है। वो वहां आए हुए इन्वेस्टर्स को बताता है कि दुनिया के 7 लोगों में से 1 इंसान को कैंसर होने का खतरा होता है। वो बताता है कि उसकी टीम शार्क के अंदर एंटी मटेरियल जीन को ऐड करके शार्क में लगातार उस जेनेटिक को इम्प्रूव करते रहते हैं। और इसके बाद कियान अपने इन्वेस्टर्स को एक नमूना दिखाने वाला होता है। इसी वक्त हम हमारे मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं, जिसका नाम है सोंगाई होता है। वो शार्क्स में एक्सपर्ट होता है और कियान के पास एक डिवाइस होती है, जिसकी मदद से वो लोग उनकी एंटी मटेरियल जीन को शार्क के अंदर डालने के बाद कंट्रोल करते हैं। इसके बाद कियान सोंगाई से शार्क को बुलाने के लिए कहता है। वहीं पर सोंगाई का दोस्त पांग्यू भी होता है, जो कुछ लेकर आता है। जिसके बाद सोंगाई एक मछली दिखाते हुए शार्क्स की एबिलिटी के बारे में बताता है और कहता है कि ये जो शार्क है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। सोंगाई अब एक मछली को हाथ में पकड़कर उस शार्क को बुलाता है, जिसके तुरंत बाद ही एक बहुत बड़ी शार्क वहां आ जाती है और उस मछली को खाकर चली जाती है, जिससे वहां सभी लोग दंग रह जाते हैं। इसके बाद कियान बताता है कि वो 3rd फेज शुरू करने वाला है। ये बात सुनते ही माइली वहां पर आती है और कियान से कहती है कि हमारे रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए और वो कैसे बिना रिजल्ट्स के 3rd फेज शुरू कर सकता है। लेकिन कियान उसकी बात नहीं मानता और 3rd फेज शुरू करने के लिए अनाउंस करता है। सिग्नल मिलते ही सभी डॉक्टर्स शार्क जीन में किसी जानवर का जेनेटिक क्रॉसओवर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो एक मशीन के जरिए शार्क के अंदर जीन को इंजेक्ट कराते हैं। इससे वो शार्क अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है, जिससे डॉक्टर्स को लगता है कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट होता है सक्सेसफुल। अब शार्क के अंदर चेंजेस दिखने शुरू हो गए थे और उसकी आंखें भी लाल हो जाती है। अब हमें माइली दिखती है, जो सेफ्टी ग्लास के पास थी। माइली के पास अब कियान अपनी बेटी के साथ आता है और दोनों उससे मिलकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वहां एक डॉक्टर भी आता है, जो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है, लेकिन उसकी नजर सिस्टम में पड़ती है और वो समझ जाता है कि इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम आउट हो चुका है। वहीं सारी सिस्टम हैंग हो चुके हैं। तुरंत वो बाकी डॉक्टर्स को बुलाते हैं और सब पहुंचकर मॉनिटर करते हैं कि शार्क में इंजेक्टेड इंडिकेटर काम करना बंद कर देता है। और फिर तभी वो लोग शार्क के इंडिकेटर को ठीक करने के लिए पानी के पास सिग्नल देते हैं, ताकि शार्क वहां आ जाए। लेकिन शार्क वहां पर नहीं आती, एंड इट वॉज वियर्ड। तो सबको लगता है कि शार्क मर चुकी है, लेकिन तभी शार्क पानी में से निकलकर एक आदमी को ही खा जाती है। इस वक्त तक वहां पर संघाई और पांग्यू दोनों आ जाते हैं। वो लोग डिवाइस से शार्क को चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि शार्क का जेंडर चेंज हो चुका है और वो मेल से फीमेल हो गया है। लेकिन किसी को इस बात पर यकीन नहीं होता। आगे सोंगाई डॉक्टर से पूछता है कि तुमने शार्क के साथ क्या किया। तभी वो डॉक्टर कहता है कि ये बात कॉन्फिडेंशियल है, बाकी अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो अब कोई भी उपाय निकालो। और बस इस बात के दौरान ही शार्क उस सेफ्टी ग्लास को तोड़ने लगती है। थोड़े रिपीटेटिव हमले से अनफॉर्चुनेटली वो ग्लास टूट जाती है और पूरी लैब में पानी भर जाता है, जिससे सभी लोग बह जाते हैं। उसके बाद सभी लोग किसी चीज का सपोर्ट लेकर पानी से दूर होने की कोशिश करते हैं। वहीं सोंगाई सबको सांस भी लेने से मना करता है, क्योंकि शार्क आवाज सुनकर वहां तक पहुंच जाती है। ये सब चल ही रहा होता है कि एक लेडी पानी में गिर जाती है और एज एक्सपेक्टेड शार्क उसको खा जाती है। फिर उसके बाद एक आदमी टेबल पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी शार्क आकर उसे नीचे गिराने की कोशिश करती है। और फिर तभी मौका देकर सोंगाई ट्रैंकुलाइजर लेने जाता है। ट्रैंकुलाइजर किसी जानवर को बेहोश करने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो बॉक्स सोंगाई से नहीं खुलता। अब सोंगाई के पानी में मूव करने से शार्क उस पर हमला करने के लिए आती है, लेकिन उसी मौके पर सोंगाई एक लोहे की चीज हाथ में ले लेता है, जिससे बॉक्स तोड़कर वो ट्रैंकुलाइजर निकालकर बाल बाल शार्क के हमले से बचता है। अब हमें पांग्यू दिखता है, जो एक तार की मदद से सोंगाई को अपने पास खींचता है, और फिर सोंगाई शार्क को ट्रैंकुलाइजर से शूट कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शार्क अपनी तेजी से बच जाती है और शार्क पांग्यू पर अटैक करने लगती है, लेकिन किसी तरह सोंगाई शार्क को दूसरी बार में ट्रैंकुलाइजर से शूट कर बेहोश कर देता है। अब सभी लोग वहां से उठकर भागने की कोशिश करने लगते हैं। सब लोग पानी में धीरे धीरे चल रहे होते हैं, तभी एक लड़की का हाथ कटा हुआ हमें दिखता है, जिससे खून भी बह रहा था। अब सभी लोग दरवाजे के पास पहुंचने वाले थे, तभी वो शार्क खून के एहसास से उठ जाती है और उस लड़की को ही खा जाती है। और इस बात से सब हैरान थे, क्योंकि शार्क को 1 घंटे बाद उठना चाहिए था, लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे उठ गई। माइली बताती है कि इसके मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो गए और साधारण एनेस्थीसिया का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा। इन सब से एक चश्मे वाला डॉक्टर को वेंट के जरिए बाहर आने का आइडिया आता और दूसरी ओर वो शार्क सोंगाई पर बार बार अटैक करते रहती है। जैसे तैसे करके वो सभी सही सलामत वेंट से बाहर आ जाते हैं, और तभी वो लोग एक दरार को देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो शार्क तो जमीन पर भी जा सकती है। उसके बाद माइली को कियान की बेटी योयो के बारे में याद आता है,
हमें अब योयो दिखती है जो झूले पर झूल रही थी, लेकिन उसे उसके पीछे कुछ हरकत महसूस होती है और शार्क वहां पर आकर योयो के झूले को तोड़ देती है। अब योयो बचने के लिए एक पाइप के अंदर चली जाती है और फिर शार्क भी पीछे पीछे उसके अंदर घुस जाती है और योयो पूरा दम लाकर वहां से भागने लगती है। अब शार्क योयो पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी सोंगाई आकर उसे बचा लेता है। वो उसे वहां से लेकर भागता है। सभी लोग उनका वेट कर रहे दिखते हैं और सोंगाई वहां से भागता हुआ आता है और उसके पीछे पीछे शार्क भी होती है, जिससे सभी लोग वहां से भाग खड़े होते हैं। बता दूं, इस पूरे सिचुएशन में शार्क जमीन पर रेंग रही है, जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल है। शार्क फुर्ती से भागकर डॉक्टर को पकड़ लेती है और उसे खींच कर ले जाती है। तभी दूसरा डॉक्टर अपनी साथी को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन वो उसे बचाने में नाकाम रहता है। आगे सोंगाई एक नदी के किनारे सभी लोगों को छिपा देता है और खुद शार्क के सामने आ जाता है। वो शार्क के अटैक करने से पहले ही एक नदी में जंप कर देता है और शार्क भी उसके पीछे नदी में कूद जाती है। अब हमें देखते हैं सोंगाई को, जो नदी के ऊपर लटका हुआ था और शार्क उसे खाने की कोशिश करती है। तभी वहां पर पांगी और माइली आकर उसे ऊपर खींच लेते हैं। वो सभी एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और सोंगाई डॉक्टर से शार्क के बारे में पूछता है, तो डॉक्टर बताता है कि उन्होंने इसके जीन में कछुए का जीन मिलाया हुआ है, जिससे ये शार्क जमीन पर चलने लगी है। अब वो चश्मा पहना सेल्फिश आदमी भी यहाँ होता है। वो बताता है कि एक जख्मी आदमी का ब्लड निकल रहा है, जिससे स्मेल से शार्क यहाँ तक पहुंच सकती है, इसलिए हमें उसे जल्दी छोड़कर यहाँ से भागना होगा। फिर तभी सोंगाई और बाकी लोग इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। अब शार्क भी यहाँ पहुंच जाते हैं और पीछे से उस जख्मी आदमी पर हमला करके उसे खा जाती है। फिर इससे वहां के सभी लोग भागने लगते हैं। बाकी सब तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन वो चश्मे वाला डॉक्टर पीछे रह जाता है। शार्क उसके पीछे होती है तो वो योयो को उसकी मदद के लिए बुलाता है और योयो भी उसकी मदद करके उसे उठाती है। और फिर जैसे ही शार्क इनके करीब आने लगती है तो वो डॉक्टर योयो को उसके सामने फेंक कर खुद आगे भाग जाता है, लेकिन ये शार्क योयो को इग्नोर करके ऊपर से उछल कर उस डॉक्टर को खा जाती है। इसके बाद अब वो शार्क योयो को खाने आने लगती है कि तभी मेन टाइम पर गाड़ियों से कुछ आदमी गोली चलाते हुए आते हैं और शार्क पर हमला कर देते हैं, जिससे शार्क वहां से भाग जाती है। कियान के आदमी शार्क को जाल की मदद से पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते। और फिर तभी सोंगाई ग्रेनेड लॉन्चर की मदद से शार्क पर अटैक करता है, मगर वो अपने निशाने से चूक जाता है। और दूसरी बार जब सोंगाई गन चलाने वाला होता है तो कियान आकर सोंगाई को रोक लेता है और कहता है कि हमें शार्क जिंदा चाहिए, क्योंकि हमने इस पर बहुत पैसा लगाया है। अब कियान सोंगाई से मदद मांगता है और उसे शार्क को पकड़ने को कहता है, लेकिन सोंगाई उसकी मदद करने से मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। फिर तभी कियान एक औरत को जान से मार देता है और जो उनके साथ ही बची हुई होती है। कियान इसके तुरंत बाद गन माइली पर तानता है और वार्न करता है कि अगर सोंगाई उसकी हेल्प नहीं करेगा तो माइली मारी जाएगी, जिससे सोंगाई को और गुस्सा आने लगता है। लेकिन पांगी उसे समझाता है और फिर वो लोग शार्क को पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं। समंदर खून से भरा हुआ था, जिससे हम समझ जाते हैं कि शार्क ने सभी लोगों को मार दिया है। और फिर माइली डिवाइस में शार्क को ट्रैक कर रही होती है और मैप में दिखता है कि शार्क सिटी के बहुत करीब पहुंचने वाली है। अभी हमें मूवी के स्टार्ट का वही सीन दिखाया जाता है, जिसमें शार्क दौड़कर जमीन पर आती है और वो शार्क शहर के रोड पर आ जाती है। अब पूरे शहर में शार्क अफरा तफरी मचा रही है और शहर के सभी लोगों पर अटैक करने लगती है। तभी शार्क के सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है और शार्क उस पर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन शार्क को कुछ होने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि माइली ने सिग्नल वेव्स को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिससे शार्क उस बच्ची को छोड़कर माइली के पास आने लगती है। और हम देखते हैं कि पांगी मछली के ऊपर सॉस लगा रहा होता है और इसे समंदर में भेज देता है। फिर तभी अपने डिवाइस पर माइली को शहर का वीडियो मिलता है, जिसमें शार्क ने शहर की बर्बादी कर रखी थी। अभी माइली पांगी को मछली को बाहर निकालने के लिए बोलती है, वहीं दूसरी ओर शार्क उनके बोट के नीचे आ जाती है। अब पांगी की उस मछली का हुक शार्क के मुंह में फंस जाता है, जिससे कियान के सारे आदमी पानी में गिर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर माइली को चोट लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। ये शार्क इतनी ताकतवर थी कि वो बोट को घसीटते हुए जमीन पर ले जाती है। बोट को खींचने से सोंगाई एक पेड़ से टकरा कर बेहोश हो जाता है और शार्क माइली और उस बोट को एक गुफा में ले जाती है। अब माइली बेहोश होकर उठती है तो खुद को गुफा में पाती है और अपनी डिवाइस पर शार्क के लोकेशन को चेक करती है। फिर तभी वो शार्क वहां पर आ जाती है और माइली पर हमला करने वाली होती है कि तभी कियान के आदमी वहां आकर शार्क पर गोली चलाने लगते हैं और उसे हाई वोल्टेज का शॉक देकर बेहोश कर देते हैं। खुद कियान भी अब इस गुफा में आ जाता है। इसके बाद सोंगाई वहां आकर माइली को अपने साथ ले जाने वाला होता है, लेकिन कियान उन्हें रोकता है और उन दोनों को अपनी हकीकत के बारे में बताता है और कहता है कि मैं इस शार्क की मदद से एक बायो वेपन बनाना चाहता था, ना कि कोई कैंसर की दवा। और दोनों ही ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर ये सीक्रेट रिवील करते हैं कि कियान उन दोनों को गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी बेहोश से उठकर शार्क कियान को खा जाती है और तभी उसी गुफा में वो सभी लोग बाहर निकलकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और शार्क कियान के सभी लोगों को मार देती है। इन सब के बीच एक आदमी से वहां स्मोकिंग ग्रेनेड गिर जाती है और हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। फिर तभी एक शार्क कियान के सभी आदमियों को जान से मार देती है।
अभी विज्ञान का एक सबसे भरोसेमंद आदमी दोनों हाथों में गन लेकर हर तरफ गोलियां चला रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि शार्क उसके पीछे ही है। और बस फिर क्या था, वो शार्क उसे भी खा जाती है। फिर लास्ट में सिर्फ माइली और संघाई बचते हैं और सोंगाई प्लान बनाता है कि ग्रेनेड से इस शार्क को मारा जा सकता है। सोंगाई माइली से वो डिवाइस को लेकर भागता है, वहीं शार्क सोंगाई का पीछा करने लगती है क्योंकि डिवाइस के सिग्नल से शार्क सोंगाई को पीछा कर रही होती है। गलती से सोंगाई के हाथ से वो डिवाइस गिर जाता है। वहां माइली आकर सिग्नल वेव से स्टार्ट कर देती है जिससे शार्क माइली की तरफ जा रही होती है। दूसरी तरफ ग्रेनेड से सोंगाई शार्क पर अटैक करने ही वाला होता है कि शार्क माइली की जगह मछली को खाने। अब फाइनली ग्रेनेड से सोंगाई शार्क को मारने का प्लान बनाता है। अब शार्क माइली की जगह मछली को खाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलती है, सोंगाई ग्रेनेड उसके मुंह पे मार देता है जिससे शार्क वहीं ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद माइली और पांग्यू सोंगाई को ढूंढते हैं पर वो कहीं भी नहीं मिलता, जिससे दोनों बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। फिर तभी माइली को सोंगाई उसके पीछे जिंदा खड़ा दिखता है। बस माइली भागते हुए सोंगाई के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। और फिर हम गुफा में बेबी शार्क को देखते हैं जिसे लैब शार्क ने जन्म दिया था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है, मतलब कि एक डीमन शार्क ने दूसरे डीमन शार्क को जन्म दिया है और अब ये सिलसिला ऐसे ही चलने वाला है। बाकी अगर यहाँ तक देख लिया और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। और अगर तुम्हें ऐसी मूवी देखनी है जिस पर फ्लाइट में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो जाता है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।